ओके लेट्स लिसन प्लीज। अच्छा जी, आज हमने दो डेटा स्ट्रक्चर्स और पढ़ने, कंटेनर्स और पढ़ने। सो वन इज स्टैक। स्टैक वी ऑलरेडी नो, हमने इंप्लीमेंट भी किया था। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये दोनों की क्या चीज है। स्टैक क्या होता है? स्टैक इज ए कंटेनर विच गिव्स यू टू और थ्री ऑपरेशंस, जो उसके बेसिक ऑपरेशन। जो पहला ऑपरेशन है, अच्छा बाय द वे, इनको ना हम अडॉप्टर्स कहते हैं। अडॉप्टर्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्टैक कंटेनर है उसकी रिक्वायरमेंट तो बड़ी सिंपल सी है। वो कहता है अंदर से जैसे मर्जी इंप्लीमेंट करो, मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है, मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपने एक ऐसा कंटेनर बनाना है जिसमें मैं दो फंक्शन दे सकूं आप, एक्चुअली तीन, एक्चुअली चार, ठीक है। एक है पुश, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं पुश ही कहते हैं, ठीक है। और एक होता है पॉप। पुश का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट का मतलब है पुश बैक, ओके। अच्छा, इसमें पुश फ्रंट नहीं होता, टॉप होता है। टॉप का मतलब है द लास्ट एंट्री यू 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 हैव इंसर्टेड यू हैव टू शो अस, ओके। लेकिन वो रिमूव नहीं करता। लेकिन जो पॉप है, पॉप आखिरी एंट्री को रिमूव कर देता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो टॉप, पॉप, पुश, ये तीन फंक्शन। और एक फंक्शन इसके अंदर और होता है, इसका नाम होता है एम्प्टी, कि ये इसका स्टैक हमारा एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही कमाल है आज उसकी एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, इस कंटेनर को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आप वगैरह जो मर्जी यूज करें। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये कि ये जितने भी आते तीन या चार फंक्शन मैंने आपको बताए थे, ये चारों का चारों ओ मान होने चाहिए। ओ मतलब मतलब क्या? यानी कि कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन होने चाहिए, चाहे उसका साइज 1 बिलियन हो, चाहे उसका साइज 5 या 10 हो, टाइम एक तरह से। यानी पुश, पॉप और टॉप फंक्शन जो है और एंटी फंक्शन जो है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि सारे फंक्शन जो होने चाहिए ओ वन ऑपरेशन होने चाहिए। I hope everybody has got it. Yeah? So far so good. Questioning? Yeah? Nice. So look how you can have your stack. One is this notation. It's called list. Sorry, stack. आप यहाँ पे कहते हैं int, और यहाँ पे कहते हैं आप int. हाँ? आपने deck क्यों रखा? Oh, अच्छा, BQ stack, okay, let's only call it A stack, okay, ठीक है, सर, मैं आया हूँ तो read होगा, कि वो क्यों कह रहा है, नहीं अस्तरी कि इसने backend पे, अच्छा, basically stack को implement करने के लिए backend पे आप array रखते हैं, आपने यार stack खुद ही बनाई थी, तो एक T type का हमने pointer रखा, है ना? ये back by default backend पे क्या रखता है? BQ रखता है। और जब भी हम इसे कहेंगे ना स्टैक में एंट्री कहेंगे डॉट पुश फंक्शन कॉल करेंगे, तो बेसिकली वो जो उसने बैक एंड में डी क्यू रखी होगी वो उसके अंदर क्या कर देगा? पुश बैक कॉल कर देगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सिमिलरली टॉप कहेंगे तो टॉप का मतलब क्या है कि वो जो साइज माइनस वन एंट्री के ऊपर लास्ट एंट्री पड़ी होगी वो क्या कर देगा? वो रिटर्न कर देगा, रिमूव नहीं कर। पॉप बैक का मतलब ये कि जो EQ है उसका पॉप बैक फंक्शन कॉल करता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर आप कह दें स्टैक int और यहां पे एक पैरामीटर पास कर जो क्या है वेक्टर ऑफ इंटीजर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है बैक एंड पे अब आपने EQ यूज नहीं करनी, बल्कि क्या यूज करनी है? वेक्टर यूज करना, ठीक है। सिमिलरली आप चाहे तो स्टैक ऑफ int यहां पे लिस्ट लिख सकते। लिस्ट का मतलब क्या है कि बैकएंड पे मैं चाहता हूं आप जो डेटा स्ट्रक्चर रखे वो कौन सा रखे मुझे रहा ये बस रहे। इसीलिए इनको अडॉप्टर्स कहते हैं। अडॉप्टर्स क्यों कहते हैं? अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? हां, ये बेसिकली मैं इसके लिए आज चेक करता हूं।
तो एक्चुअली आप बैकएंड पे बताते हैं कि मैंने इस पे बैकएंड पे कौन सा मैसेज चल रहा है, ठीक है। बाकी इट्स क्वाइट ऑब्वियस किसे क्या करना चाहिए, आप बताइए जी। ये पुश एलिमेंट का फंक्शन है और पुश एलिमेंट का फंक्शन करता क्या है, ये देखें जी, ये एक से लेकर दस तक की इसने एक लूप लगाया और आई को इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ऑलराइट। और इसने ये जो स्टैक है, जो जेनेरिक स्टैक बनाया है, वो इसने बाय रेफरेंस लिया, ठीक है। और इस वक्त ये क्योंकि इंट स्टैक है तो ये सबके लिए काम करेगा, इसके लिए भी करेगा, इसके लिए भी करेगा और इसके लिए भी करेगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी। हम पुश कॉल कर रहे हैं और टॉप कॉल कर रहे हैं। पुश क्या कर रहा है, पुश इंसर्ट एंड बैक कॉल कर देगा बैक एंड पे, और जो टॉप है वो करेगा वो मैं लास्ट सेगमेंट में कर। मतलब ये कि जी क्या आउट होगी इसकी, पहले देखो जीरो इंसर्ट हुआ जीरो आउट हुआ, वन इंसर्ट हुआ वन आउट हुआ, टू इंसर्ट हुआ टू आउट हुआ, थ्री इंसर्ट और आखिर में टेन इंसर्ट हुआ टेन आउट हुआ, नाइन इंसर्ट हुआ नाइन आउट। अब अगर मैं इस लूप से बाहर आऊं और मैं कहूं कि मुझे टॉप बताए, टॉप में क्या पढ़ा, नाइन पढ़ा, इसके अंदर आप अटैक यूज नहीं कर सकते। स्टैक के को स्टैक ओनली अलाउज यू टू एक्सेस ओनली वन वैल्यू एंड दैट इज द लास्ट इंसर्टेड वैल्यू, इट्स आल्सो कॉल्ड लीफो। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। इट ओनली अलाउज यू टू गिव एक्सेस to one entry and that is the last entry, ठीक है, ठीक है। इसी तरह pop element है, ये क्या कर रहा है, आप बताएं ये कोड क्या कर रहा है। तो क्या बोलो और काउंट डाउन जो कितना होगा जीरो पे आएगा और अब जीरो वाला पॉप कर देगा, ठीक है, डिस्प्ले करने के बाद तो अब जब एम्प्टी देगा तो एम्प्टी ट्रू होगा, ये वैल्यू फेल हो जाएगा, एक बार ये पता समझ में आ गया, ठीक है। शाबाश, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी फेमस प्रॉब्लम यार, ऐसे ना किया कर यार, ये क्या है कर्सर ही नहीं है इसमें, इट्स अ वेरी यार ये क्या मजाक, सो लेट मी टेल यू ए वेरी नाइस प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड अगेन, इसका नाम है वॉइड, बल्कि ये काम कर स्ट्रिंग, डेसिमल टू बाइनरी इंटीजर डी, डी इज द नंबर जो पास हुआ, ठीक है। और आपने पिछली दफा ये डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन की थी यार, और वो कन्वर्जन करने के लिए अगर मैं आपको याद कराऊं तो अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने 21 को कन्वर्ट करना, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं 10 आता है और स्टैक और हम वन यहाँ पे बकाया लिखते हैं ना जी, फिर हमारा टू आया फाइव आया सॉरी जीरो आया और फिर क्या आ गया बेटा टू टू द वन आएगा फिर टू जीरो सॉरी टू वन द जीरो आएगा और फिर आखिर में क्या आएगा टू जीरो और यहाँ आएगा वन, और जो आंसर है वो ये नहीं है बल्कि ये है, है ना। Can you see stack यार? Yes. क्या कर रहा है? जो भी रिमाइंडर लाते जा रहे हैं, उसको किस पर करते गए? Stack में push करते गए और बाद में जा करें।
बाद में उसे पॉप करते जाए, टॉप टॉप हासिल करके पॉप करते जाए और स्टैक प्रॉब्लम करते जाए। ये बस में नेचुरल स्टैक का प्रॉब्लम है ना। सो लेट्स कोड इट और साथ ही स्ट्रिंग बनाते जाएंगे, ठीक है। सो लुक एट दिस थिंग। तो मैं करता हूं, मैं कहता हूं यहां पे मैंने बनाया स्टैक इंटीजर, इसका नाम है आर, आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर्स। ओके, जितने भी रिमाइंडर्स हैं वो सारे इसमें डालते जाऊंगा। तो मैं कहता हूं वाइल डी, बल्कि डू वाइल लगाते हैं, और टेल मी व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड वाइल हियर। जब तक डी इज नॉट इक्वल टू है जीरो के बराबर, तो तब तक क्या करे, ऐसे करे आर के डॉट पुश कॉल करे, और उसके अंदर अभी ये मुझे एरर दे रहा है, और क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किया स्टैक, और यहां आए डॉट पुश कॉल किया, और पुश में मैंने डी का मॉड लिया किसके साथ, टू के साथ, ठीक है, और डी को इक्वल कर दिया डी डिवाइडेड बाय टू के बराबर, ठीक है। तो ये तो मेरा स्टैक बन गया। अब सवाल ये है कि स्टैक बन तो गया है, अब सवाल ये है कि स्टैक को मैंने दोबारा से निकालते जाना है बार बार और स्ट्रिंग बनाते जाना है। तो मैं आता हूं स्ट्रिंग आंसर, ठीक है, और मैं करूंगा जी स्ट्रिंग में ये आ चुका हुआ है क्या, वैसे अगर मैं इसको 22 कर देता तो ये जीरो हो जाता, तो आंसर आना चाहिए क्या, स्टैक में मेरा क्या पड़ा हुआ है, अब स्टैक में मेरा पड़ा हुआ है क्या, 0 0 1 0 और 1, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, वो बननी चाहिए 1 0 1 0 0, ओके। तो हम कर लेते हैं, तो हमें करेंगे, मैं ये करूंगा कि ऐसा करते हैं वाइल, जब तक अब मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, नॉट, जब तक कि मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, मैं एक काम करता हूं आर की डॉट टॉप एंट्री उठाता हूं, ठीक है। अब टॉप जो रिटर्न करेगा वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा, मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूं टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और आई होप यू रिमेंबर जो टू स्ट्रिंग है वो फंक्शन हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, किसके अंदर मिलता है बेटा, स्ट्रिंग लाइब्रेरी में मिलता है, और हम यहां पे क्या करते हैं आंसर प्लस इक्वल टू ये कर देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग आंसर में पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, वो जो जो स्टैक रख रहे हैं उसके आगे आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और हम आखिर में क्या करते हैं, आखिर में हम रिटर्न कर देते हैं क्या आंसर, ठीक है। क्या ओ पॉप नहीं किया जी, जैसे जैसे हम टॉप से उठाते हैं आर डॉट पॉप भी कॉल कर देते, ठीक है, पॉप नहीं करेंगे मतलब हो जाएगा इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, ठीक है। यहां आ गए, यहां हमने सी आउट किया, और यहां हमने लिखा क्या, यहां हमने लिखा जी क्या था नाम, डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और यहां लिख देते हैं लेट्स से 22, और यहां लिख देते हैं एडल, ओके, रिटर्न 0, कंट्रोल F5। जी 10110, ठीक है। तो वी हैव गॉट द आंसर, ठीक है। सो वेरी नाइस जी, हमने ये कन्वर्ट, बाय द वे इसको अगर मैंने कन्वर्ट करना हो जेनेरिक में, ये तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, व्हाट इफ के मैं कहूंगा मैंने डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, जनरल होना चाहिए, तो मैं बेस का पैरामीटर लूंगा और यहाँ पे बेस के साथ में कर लूंगा, और फिर जो राइटिंग हो रही है टू स्ट्रिंग में उसमें मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर मेरी वैल्यू 0 से लेकर 9 के दरमियान में तो टू स्ट्रिंग किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज मुझे फिर कन्वर्जन करनी पड़ेगी ए बी सी के अंदर। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ये आपकी लैब का क्वेश्चन है, प्लीज ये डाल दीजिएगा using stack के साथ, ठीक है। So far so good, everybody understand this? Okay जी, अभी हम इसके थोड़े से और प्रॉब्लम भी करते हैं, let me move to the next adapter, and that adapter is a Q adapter. Q के अंदर क्या होता है, you know, the STR वाले में basically जो function standard use किए हैं, वो use किए हैं, again, इसका इसमें टॉप होता है फ्रंट होता है, और क्यू क्या होनी चाहिए मनी, आर हमें क्यू किस ऑर्डर में होनी चाहिए,
suppose one ascending is not a nice word. क्या होना चाहिए? क्यों में अगर आप ये चीज प्रोसेस कर रही हैं तो पहले प्रोसेस कौन होगा? इसको क्या कहना चाहिए? इस प्रोसेस को हम लास्ट कहते हैं, तो क्या कहना चाहिए? फर्स्ट है, जो फर्स्ट एंट्री एंटर ली है उसने हमसे पहले प्रोसेस कर, तो फर्स्ट एंट्री विल बी प्रोसेस फर्स्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट. ओके, बिल्कुल सही बात. इससे आपने अंडू मूवमेंट की थी, तो अंडू इज नथिंग बट क्या करेगा? इट्स ए स्टैक ऑफ योर बोर्ड. आपकी प्रीवियस बोर्ड की स्टेट आप स्टैक कर सकते हैं ना. अंडू को अंडू क्या करेंगे आप? अंडू इज नथिंग बट क्या करें उसमें, उसको टॉप एंट्री उठाएं तो पॉप करते हैं बस. ठीक है, दूसरी दफा अंडू करना, दूसरी दफा अंडू करना है ना. रीड क्या हो? रीड में क्या हो? जो पॉप कर रहा है वो इसके अंदर एक और स्टैक बनाए, इसके अंदर तो जितने भी अंडू कर रहे हैं जितने भी रीडू कर रहे हैं वो आराम से कर सकते. ठीक है, तो हम जो आपकी वो होगी लूडो है शुरू हो चुकी है आपकी, और उसके लिए एग्जैक्टली टाइम दे देना. आप लोगों का कैसे दिया हमें वो हेल्प चाहिए, और आप नहीं कहेंगे मैं नहीं दूँ, और मैं नहीं दे रहा. आप लोग एक्सपेक्टिंग आप लोग मुझे मान रहे और ये बात आप याद रखें, आईटीयू के अंदर आने वाली क्लासेस के अंदर जो आपके हैं अगर आप नहीं कहेंगे अपने सेक्टर को, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा. ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे कहें कि सर हमें हेल्प करें. ठीक है, आपको कहीं भी मसला है आप भाड़ में जाए उसी क्लास क्या कहती है, आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, हम ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपके टीचर को यहाँ पर होना 5 to 9 to 5 चाहिए, वो और वो नहीं रुकता. आप यहाँ पर टीचर अनफॉर्चुनेटली नहीं रुकते. क्यों नहीं रुकते? ठीक है, क्यों नहीं रुकते? क्योंकि आप लोगों को मजा नहीं है, आप लोगों का टाइम बनाने आते नहीं. ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर बैठे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां बिठाए. ठीक है, आपको सिर्फ पैसे दिए. ठीक है, तो वो फिर चेंज जो आनी है, चेंज ऊपर से आती है, कोई ऊपर से आती, चेंज अंदर से आती, आपको शुरू करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, जी बीच टाइम चाहिए आपको. ठीक है, शाबाश, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग रेवोल्यूशन. ठीक है, ऑल राइट जी, यार ये रिकॉर्डिंग काट रहा है. ओके, सो क्यू को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? अगेन ये मेरे डॉक्टर है, और बाय डिफॉल्ट ये बैक एंड पे डी क्यू यूज करता है. ठीक है, अभी और आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और इट्स क्वाइट ऑब्वियस डॉट पुश का फंक्शन है. तो 3.2 पहले पुश हुआ है, फिर 9.8 फिर पुश हुआ है, और फिर 5.4 हो गया. अब जब तक हम एम्प्टी नहीं होता चलाते हैं, और हम कहते हैं जी स्प्रेड वैल्यू थर्ड और पॉप. जी पहले दफा पॉप क्या होगा माही? पहले दफा क्या पॉप होगा? कौन सी वाली वाली? 3.2. ओके, पॉइंट से कमजोर है ना जी. आगे बताएं आप, 9.8 फिर 5.4. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, अच्छा आगे बड़ी मजेदार बात. तो नेक्स्ट नाइस अडॉप्टर इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू. पिछले जो मैंने बेसिकली स्टैक और क्यू बनाए थे, स्टैक और क्यू आर नथिंग बट प्रायोरिटी क्यू, बट देयर प्रायोरिटी इज डिफरेंट. स्टैक की प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे आखिर में जाएगा उसका प्रायोरिटी डाटा. जो क्यू है उसकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले जाएगा उसकी प्रायोरिटी होता है. ये वास्तव में priority queue is a generalized structure. It's a generalized structure, और इसमें आप priority define करते हैं. इसमें क्या करते हैं? आप priority define करते हैं कि मैंने जिस चीज को भी इसके अंदर इस container में contain करना है, I will going to define what is a priority. ठीक है, और data structure के course में जाके आप इसे पढ़ेंगे, इसे हम heap data structure कहते हैं. ठीक है, ठीक है, I will not going to break your
thrill for the next course, but let me tell you how to use it. Okay? आप यहां लिखते हैं प्रायोरिटी, ठीक है? आप मेरी बात सुने, ये आपने तीन वैल्यूज इंसर्ट किए, 3.2, 9.8, 5.4, ओके? बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी क्यू है वो ग्रेटर वैल्यू के ऊपर चलता है, मतलब ये कि 3.2, 9.8, 5.4 हमने लिखी है, अगर हम टॉप वैल्यू उठाएं, ओके, और पॉप कर दें, तो जो पहली वैल्यू रिमूव करेगा वो 9.8 होगा, और जो सेकंड वैल्यू रिमूव करेगा वो 5.4, और जो तीसरी वैल्यू रिमूव करेगा वो 3.2. कोई एडिटर अवेलेबल नहीं है इसका. You have only access to one entry, the top most entry. You understand? I hope everybody understand. Okay? सबको समझ में आ गई बात? कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसको ये तो मैक्सिमम क्या है, मैक्स हीप करा दूँ, यानी मैक्सिमम होना चाहिए जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो ऊपर आए. अगर मैं इसको मिन हीप में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है? लेट्स सी किसने एग्जांपल दिए नहीं. उसके लिए हमें अगेन एक फंक्शन बताना पड़ेगा, तो हम लगा के ये देखो, नहीं बताया बस. अगर अल्लाह करे इंटरनेट चल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ. क्या लिखू सर्च करूं, प्रायोरिटी प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू, या प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्यू सी प्लस प्लस मिन हीप. और साथ ही हम ये भी कर देते हैं कस्टम फंक्शंस, कस्टम डेटा टाइप. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं. सो ये देखिए, ये हमारी वही एग्जांपल दी हुई है. अब बता सकते हैं इसकी आउटपुट क्या होगी, यार इसको ये बदतमीज आदमी, रिक्शा आ रही है, आ रही है 30-20 आ रही है. अगर मैंने इसको मिन हीप में कन्वर्ट करना हो तो मैं यहां पे लिखूंगा जाके एंड, ये देखिए जी, एंट वेक्टर, और यहां जाकर लिखूंगा मैं ग्रेटर, ठीक है? ग्रेटर इज बेसिकली सेम द स्वैपिंग कंडीशन, यानी अगर जो नई वैल्यू है से चलाते हैं, आउटपुट नीचे वैसे ही आ रही है. अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, सॉर्टिंग करना होता है, आप यहाँ पर सॉर्टिंग जो करते हैं तो जब मैं डे असेंडिंग में कन्वर्ट करता हूँ, असेंडिंग में, तो तब कब स्वैप करते हैं? अगर नई वैल्यू ग्रेटर है तो मैंने स्वैप करता हूँ, हालांकि करना असेंडिंग में होता है. असेंडिंग में करने के लिए हम जो कंडीशन लगाते हैं उनका लगाते हैं ग्रेटर की, लगाते हैं ग्रेटर वाला आगे पुश होता है ना, ग्रेटर वाला आगे पुश होगा तो मिनिमम वैल्यू पहले आएगी. अगर मैंने डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना हो तो मैं कंडीशन लेस देन भी लगाऊंगा, तो स्विच होगा, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू के अंदर लेस होता है. अगर आप चाहते हैं कि वो मिन हीप में कन्वर्ट हो तो मिन हीप में कन्वर्ट करने के लिए यार ये अगली के लिए ना, अगली क्लास के लिए यहाँ पे लॉग इन रखना और ये लिंक खोल लेना, ठीक है? आपको यहाँ पे बताना पड़ता है क्या प्रायोरिटी क्यू बैक एंड पे अच्छा ये हो गया. एक मिनट, ये आपके सामने एक और बड़ी मजेदार एग्जांपल है.
या इसको मैं कैसे पलम बड़ा कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस प्लस। यार ये तुम्हारा जो ब्राउजर है यार, इसमें ओपन कर रहे ना उसमें क्रोम में, तो ये सारे साइड पे जो गंद है वो उड़ जाता है। ठीक है, आई गॉट इट। अच्छा ये देखिए पाली प्लीज, अगर मैंने एक कस्टम डेटा टाइप फील्ड बनाऊं, कस्टम डेटा ये डिजाइन करने आ रहा, आई होप थोड़ा बहुत लंबा होगा ये, ये 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 क्या क्या डाउन इसको देख रहे हैं क्या बोला मैं। ओह वाह वाह, ठीक है थैंक यू सो मच। ठीक है तो क्लास पॉइंट है, देखिए मैं क्लास बना, मैं एक प्रायोरिटी क्यू बना रहा हूं बेस्ड ऑन ए कस्टम डेटा टाइप। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, तो मैं यहां पे पॉइंट की क्लास बनाएगी जिसके अंदर एक्स वाई पर एक्स वाई स्टेट पर क्यों एट्रीब्यूट्स है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये इसका गेट एक्स और गेट वाई का फंक्शन। ठीक है, आगे देखिए, अब इस डेटा टाइप के लिए मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा कंपैरेटर। ओके, और उस कंपैरेटर क्लास में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक चीज होगा, क्या होगा, ये वाला ऑपरेटर होगा, और इसके अंदर ऊपर वाली टाइप थी उसका एक पैरामीटर यहां पास होगा और एक पैरामीटर यहां पास, क्योंकि बैक एंड पे उसने ना प्रायोरिटी की बनानी है, तो जो नई इंसर्टेड वैल्यू होगी उसको प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करना होगा, किसकी कौन सा नीचे जाएगा, कौन सा नीचे, बेसिकली हमने फंक्शन बनाना है, देखिए क्या बना, हमें ये थोड़ा बताएं कि क्या होगा। ये कह रहा है कि अगर P1 की प्रायोरिटी की x वैल्यू P2 की x वैल्यू से क्या है, बड़ी है, बड़ी है, तो क्या कर दो, उसको नीचे ले जाओ, मेरी उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब मुझे बताएं, अगर मैंने यहां पे ग्रेटर लिखा, ग्रेटर का मतलब है कि इस ग्रेटर के केस में उसने नीचे जाना, नीचे जाने का मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टी नीचे हो गई, यही मतलब है ना। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने यहां पे ग्रेटर लिखा हुआ है तो मेरी जो क्यू बनेगी, जो प्रॉपर्टी क्यू बनेगी, उसमें किसकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, लेट्स सी। और ये देखें जी, ये इसकी आउटपुट है, एक्स की बेस पर देखें, अब उसने इंस्ट्रक्शन की है उसके अंदर, और जिस किसकी प्रॉपर्टी सबसे हाई है, जो वहां पर जो हम ऑपरेटर लिखते हैं उसके नतीजे में, जो अगर मैंने ग्रेटर देन लिखा हुआ तो लेस देन वाली प्रॉपर्टी है, वो पहले ऊपर। ठीक है, एंड आई होप यू कैन मेक एनालॉजी विद योर सॉर्टिंग फंक्शन। सॉर्ट के अंदर अगर हम ग्रेटर देन की कंडीशन डालते हैं तो क्या होता है, हमारी असाइनमेंट सॉर्ट, और अगर हम लेस देन की कंडीशन डालते हैं, यदि लेस है तो पुश कर दें, लेकिन आई होप सब कुछ समझ में आ गया कि हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम कस्टम डेटा टाइप के लिए प्रॉपर्टी क्यू यूज कर रहे हैं तो हमें पहले उसकी वो कस्टम क्लास तो बनाई हुई है, एक कंपैरेटर क्लास बनानी पड़ेगी, और ये थोड़ा सिंटैक्स भी देख ले, आपको उसके अंदर कंपैरेटर में आके ये दोनों बाय रेफरेंस पास हो रहे हैं, और क्या करना पड़ेगा बेटा, और यहां पे आपको बताना पड़ेगा, ये देखें, ये इस लाइन के गौर से देखें, आपने क्या कहा कि प्रायोरिटी क्यू बनाओ, प्रायोरिटी क्यू बनाओ वेक्टर बेस, वेक्टर ऑफ पॉइंटर, और आपको जो कंपैरेटर क्लास हमने बताई थी वो क्लास का सिर्फ नाम क्या होगा, ये बात समझना, ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अब आप मुझे बताएं, लास्ट क्लास में मैंने एक बात की थी, गलत बात, लेस यहां मैं यहां प्रायोरिटी क्यू पास करता था, डिफरेंट मैंने किसके लिए किया था, मैंने मैप बनाते हुए कहा था, और मैंने यहां पे लेस पास किया, और लेस के आगे मैं टेम्पलेट क्यू लिखता हूं,
वो फंक्शन पॉइंटर नहीं था, लेस की एक्चुअली क्लास थी और ग्रेटर की एक्चुअली एक क्लास थी जिसके अंदर ऑपरेटर ये वाला ओवरलोड हो। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, सही है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है। तो आज हमने तीन बस ही डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एक है स्टैक, क्यूब और सॉरी प्रायोरिटी, ओके। स्टैक और क्यूब की हमने इंटीजर्स की एग्जांपल देखी, ठीक है, स्ट्रिंग में वो चल रहा है, ओके, हर एक डायरेक्ट में चल रहा है, स्ट्रिंग और सॉरी स्टैक और क्यूब में तो हर एक डेटा टाइप के लिए चल रहा है। क्यूब से प्रायोरिटी बड़ी सिंपल है, क्या प्रायोरिटी है, जो आखिर में एंटर हुआ है वो ही चलता है, जो पहला एंटर हुआ है वो ही चलता है, स्टैक और क्यूब। लेकिन प्रायोरिटी क्यू के केस में जो इंटीजर है उनके लिए चल जाएगा, ये प्राइमेटर डेटा एग्जाम के लिए चल जाएगा, स्ट्रिंग के लिए चल जाएगा, लेकिन कस्टम डेटा टाइप के लिए नहीं चलेगा। कस्टम डेटा टाइप के लिए वो क्या करना पड़ेगा, एक अलग कंपैरेटर की क्लास बनानी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, और उसका ऑपरेटर डिफरेंसेस वाला ओवरलोड करना, छोटी ब्रैकेट, ठीक है, वो उसका आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप बेसिकली उसके बाद एक डेटा स्ट्रक्चर और, इसका नाम है बिट सेट, ये मैं नहीं करवा रहा, आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर, मैं तो बस बिल्डर से कंप्लीट करें, डेटा स्ट्रक्चर कोर्स के अंदर आप एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाना चाहिए आपको, उसका नाम है हस्बल कोडिंग। हस्बल कोडिंग क्या होती है, बेसिकली आपने यूज किया विनजिप, यूज किया विनजिप या विनरार, यूज किया क्या होता है, फाइल कंप्रेशन का सॉफ्टवेयर। तो फाइल कंप्रेशन कैसे होती है, आपकी बड़ी फाइल दी हुई है और उसको आपने छोटे फाइल में कन्वर्ट करना है, वो कैसे कन्वर्जन करता है, वो कन्वर्जन जिस बेसिकली उसको बिट लेवल पे कन्वर्जन करनी पड़ती है, और बिट लेवल की एक्सेस आपको आमतौर पे आगे नहीं मिलता, तो उसके लिए जो कंटेनर आपको और ऑटोमेटिकली अवेलेबल है और आपको बनाना भी चाहिए और वह फिट है, ओके, आपको खुद देखना चाहिए क्या चाहिए, ठीक है, और काइंडली आप देख लीजिएगा, और काइंडली एक सवाल आप देख लीजिएगा, जो आपकी कल है, ठीक है, कल आपका सेशन है पहला, अब मेरे ख्याल में आपका चेस कंप्लीट हो चुकी है, सबने चेस जमा करा दी, किसी ने अभी भी जमा कराई हो, और लेकिन आप लोगों ने वीडियो नहीं भेजी, आप लोग तो यार मुझे तो लगता है आप वो क्या कहते हैं वो सोतेला समझा हुआ है ना, मैं कहता हूँ यार रिपोर्ट आप अपने 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 ग्रुप पे चले शेयर कर दें, ग्रुप मेरे उन्होंने शायद फिर कह दी मेरी ऑर्डर नहीं है, तो वो अपने ग्रुप पे चले शेयर कर, ठीक है, मुझे तो खुशी हो जाएगी कि बच्चों ने काम किया, ठीक है, मेरा एक बात कहूँ बार अगर आप लोगों का ये भी दुखी है अलग है, क्योंकि आप इस पे क्या है सर, मैं बताया हूँ, ठीक है, चांसेस के अलग अलग आप आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना एक बड़ी जरूरी चीज होती है, बहुत ही स्टूडेंट की जो एक साल की मेहनत है, ठीक है, हम एक कोर्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, एक साल बाद हम अलग अलग, लेकिन एक साल में आपने क्या चेंजेस है, ये एक टीचर का समर, ठीक है, समर कहते हैं हल, ठीक है, तो ना दैट इज समथिंग आई वी रियली वांट टू नो, ठीक है, ये ना ये बात बड़ी अच्छी होती है कि आप टीचर की तारीफ करें, ये करें वो करें, ये बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी आउटपुट दिखाते हैं तो वो उसका सबसे बड़ा फल है, ठीक है, जो आखिर में आपको याद रहता है कि टीचर को एक्सपर्ट से कनेक्शन याद रहता है, तो आपका आप आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आई रियली वॉन्ट कि आप